हेलो बच्चों, मैं आज फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ, वापस आई हूँ एक और नई कविता लेकर के। सीखो, ठीक है। इसमें क्या है बेटा कि हमको हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हर चीज़ में कोई ना कोई गुण ज़रूर होता है, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो। मीन्स अगर उसमें सजीव मीन्स जिसमें जान होती है, निर्जीव जिसमें जान नहीं होती है, ठीक है। तो हर किसी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। वैसे यहाँ पे देखो बताया गया है कि फूलों से नित हंसना सीखो, कि फूलों से क्या करो, फूलों से नित हंसना सीखो, हमेशा उनसे हंसना सीखो। जैसे वो लोग हमेशा, जब भी आप फूल को देखें, हमेशा खिला हुआ एकदम ताज़ा ताज़ा लगता है, जैसे मुस्कुरा रहा हो, हंस रहा हो, ठीक है। तो फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। भंवरा क्या होता है, एक इंसेक्ट होता है, कीड़ा। ये देखिए, दिस इज भंवरा, ये क्या भंवरा, ठीक है। भंवरों से नित गाना, वो हमेशा जूम जूम करके हमेशा उसकी आवाज़ आती ही रहती। तो क्या बोल रहे, भंवरों से नित गाना जो हमेशा गाता रहता है। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, मतलब पेड़ की जो झुकी हुई डालियाँ होती हैं, जब पेड़ पे बहुत ज़्यादा फल हो जाता है या पत्तियाँ किसी पे, जब क्या होता है, डाली झुक जाती है ना, तो उनसे क्या सीखो, शीश झुकाना, उनसे शीश झुकाना सीखो, मतलब झुकना सीखो। अगर मान लो आपका कोई फ्रेंड है, मान लो उसकी गलती है, वो नहीं मान रहा, तो आप ही उसके आगे झुक जाओ, मतलब उस चीज़ को कि ठीक है चलो छोड़ो जाने दो, ये मतलब बेटा, ठीक है। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, दूध और पानी से सीखो सब में घुल मिल जाना, ठीक है। मतलब जैसे दूध और पानी, देखो दूध में पानी जब आप डालो, मम्मा से कहना, जब मम्मा डालेंगी तो आपको दिखाएंगी बेटा, ठीक है। तो वो दूध में पानी कहाँ मिल जाता है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता, दोनों एक दूसरे में एकदम समा जाते हैं। ना तो दूध अलग किया जा सकता है और ना पानी अलग किया जा सकता है, दोनों एक दूसरे में बिल्कुल घुल मिल जाते हैं, एकदम मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हमें किससे सीखनी चाहिए, दूध और पानी से, ठीक है। सबसे घुल मिल जाना, मतलब सब में मिल करके रहना, सबके साथ फ्रेंडशिप कर लेना, ठीक है। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, दूध और पानी से सीखो सबसे घुल मिल जाना, दूध और पानी से सीखो सबसे घुल मिल जाना, ठीक है। फिर से कहते हैं, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, दूध और पानी से सीखो सबसे घुल मिल जाना, दूध और पानी से सीखो सबसे घुल मिल जाना, ठीक है। एक बार और, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, दूध और पानी से सीखो सबसे घुल मिल जाना। ओके चिल्ड्रन, समझ आया? तो आप लोग भी बेटा अपने जीवन में इन सब चीज़ों को, कि हमेशा खुश रहो, ठीक है, हमेशा अच्छे मूड में रहो, अगर किसी की कोई गलती भी है तो उसको फॉरगिव करो, उसको माफ़ करो और उसके आगे झुक जाओ, है ठीक है, कोई फर्क नहीं। और सबसे घुल मिल कर रखे रहो, कभी किसी के लिए द्वेष भावना, किसी के लिए बैड वो नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। हमेशा हर किसी के साथ बहुत अच्छे अच्छे रहना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से इसको याद करिएगा और सुनाइएगा मम्मी पापा को, ठीक है। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे।